तो फ्रेंड्स, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 100 गज में बना हुआ इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक गेटेड सोसाइटी है जिसमें आपको 24/7 सिक्योरिटी मिल जाती है गेट पर, और ये गेटेड है। और अगर मैं इसके अंदर की बात करूँ, इसमें आपको पार्क मिल जाता है और बैडमिंटन कोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है। और इसके अंदर एक आपको सेंट्रली लोकेटेड काफ़ी बड़ा पार्क मिल जाता है जिसमें कि आप इवनिंग वॉक्स कर सकते हैं और बच्चे इसमें खेल सकते हैं। और रोड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड रोड्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 100 गज में बना हुआ डुप्लेक्स मॉडर्न विला। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड रोड्स हैं। और फ्रेंड्स, इसकी प्लॉट साइज़ की अगर मैं बात करूं, 21/43 का ये प्लॉट साइज़ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट लुक है, टाइल्स का वर्क किया है इसमें। जैसा कि इस पार्किंग एरिया में देख सकते हैं आप, एक छोटे साइज़ की कार इजीली आप पार्क कर सकते हैं। और ये इसका आउटर लुक, अगर आप चाहें साइड में अपने टू व्हीलर्स भी इसमें ईजिली पार्क कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है टू व्हीलर्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ विला के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटर करते ही विला में राइट हैंड साइड में आपको ड्राइंग कम डाइनिंग रूम मिल जाता है। आप देख सकते हैं एक वॉल पर वॉलपेपर दिया है, सोफ़ा सेट, फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं। जैसा कि, और व्यूअर्स, मैं एक बात आपको बता दूँ कि इस घर में हम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एज इट इज़ हम ऐसा ही दे रहे हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ओपन किचन है जिसका साइज़ 6/8 का साइज़ है। ये विद चिमनी, जैसा कि आप देख सकते हैं, एज इट इज़ आपको मिलेगा। किचन में भी फॉल सीलिंग है। तो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद अटैच वॉशरूम। ये इसमें आपको फॉल सीलिंग, LCD कैबिनेट, और ये हमारा वॉशरूम जिसका साइज़ 6/5 का साइज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें टाइल्स लगी हुई हैं। और बेडरूम के साइज़ की अगर मैं बात करूं, 10/12 का बेडरूम साइज़ आपको मिल जाता है विद अलमीरा, फुल हाइट अलमीरा से। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं विद कंसील लाइट्स। और ये है हमारा सेकंड बेडरूम, इसके साइज़ की अगर मैं बात करूं, 9/12 का इसका साइज़ है। आप देख सकते हैं इसकी फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स। इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और इसकी साइज़ की बात करूं, वॉशरूम की 5/5 का इसका साइज़ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं अलमीरा सेम है, फुल हाइटेड अलमीरा से, और LCD पैनल इसमें भी आपको दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर की एंट्री बिल्कुल सेपरेट है। अगर इन फ्यूचर आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर अपना रेंट पर देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी फ्रंट बालकनी है, अच्छा स्पेस है बालकनी में जहाँ से आपको फ्रंट व्यू मिल जाता है घर से। और आइए अब ले चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं, आपको फैमिली लाउंज एरिया मिल जाता है जिसका साइज़ की अगर मैं बात करूँ, 10/9 का इसका साइज़ है। इसमें भी हमने कुछ वुडन का वर्क किया है। और ये है हमारा थर्ड बेडरूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। इसमें भी फॉल सीलिंग है एज इट इज़, और बेडरूम्स की तरह LCD पैनल इसमें मिल जाता है आपको। और साइज़ की अगर मैं बात करूं, 9/13 का इसका बेडरूम साइज़ है। इसमें आपको ड्रेसिंग एरिया दिया गया है सेपरेट। और वॉशरूम का साइज़ जो है वो 5/4 का साइज़ है।